हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ पूरी व्लॉग। क्लास टेंथ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था एंड देन वी डिसाइडेड टू गो समवेयर। बहुत बड़ा वेकेशन हो गया था, सो व्हाट्स बेटर देन अ बीच। तो हम लोगों ने पूरी का प्लान बनाया एंड या दिस इज़ अ पूरी व्लॉग, सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय इट। वी रीच्ड इन द मॉर्निंग। सो सुबह सुबह वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच एंड हेयर आई एम फुली रेडी एंड एक्साइटेड टू गो टू द बीच। सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। एंड हेयर आई रीच्ड द बीच एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट बार इट वॉज माई एक्सपीरियंस टू गो टू अ बीच, सो आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी। हेयर आई एम हैविंग फन। जो वेव्स आते थे तो बहुत मज़ा आता था, बट मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी बिकॉज पानी में फ़ोन भी तो भींग जाएगा, डैट इज़ वाई। लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट और बहुत मज़ा आया था मुझे। बीच से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, देन वी वेंट टू साइट सीइंग। और आज हम लोग जा रहे हैं चिल्का लेक, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी बस निकलना है, सो लेट्स गो। एंड या पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे वी वर वेटिंग फॉर समथिंग एंड देन या वी आर इन द मिडल ऑफ द वाटर। और यहाँ पे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं पूरा लेक में एंड इट वाज रियली फन, क्योंकि पीछे वो जस्ट वाटर था एंड बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छे तो मतलब बहुत कूल हवा भी चल रहा था, सो उसके लिए बहुत फ्रेश एनवायरनमेंट था एंड या द बेस्ट वेकेशन स्पॉट था। एंड यहाँ पे सीगल्स भी बहुत सारे थे, सो इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल व्यू टू वॉच। फिर वहाँ के एक शोर में हम लोग रुके 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से बोट पे हम लोग चढ़ गए एंड देन फिर वापस। सो गाइज, दिस इज़ डे 2 एंड या मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं पुरी से भुवनेश्वर घूमने के लिए। सो या लेट्स गो विथ मी। भुवनेश्वर जाने के रास्ते में गोल्डन बीच पड़ा था, सो वी स्टॉप्ड हियर एंड हैड फन। हेयर वी डिड अ लिटल राइड, क्योंकि कल जो बीच में आए थे उसमें तो पूरा भींग ही गए थे, आज बहुत मज़ा करने का टाइम था। सो या इट वाज रियली गुड, पूरा बीच का व्यू आ रहा था इससे एंड जो आगे से हवा आ रहा था दैट फीलिंग वॉज रियली नाइस। नाउ वी एंटर टू अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल म्यूजियम। And here my mom is suggesting me the best location for clicking pictures. So this is the inside view and yeah. एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल।
वी एंटर टू नंदनकानन जू एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी वाइट टाइगर्स एंड मच मोर एनिमल्स दैट आर यूनिक एंड या अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आज हम लोग श्री जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं एंड या आज का ये आउटफिट है मेरा। और आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ कहीं भी चले जाओ लेकिन सबसे अच्छा मंदिर में ही लगता है। एंड फिर मंदिर से आके आज हम लोग फिर से बीच जा रहे हैं और आज पूरा भीगना है, बिकॉज़ सुबह में उतना अच्छा से भीग नहीं पाए थे उस दिन। और आज बीच में बहुत ज़्यादा मस्ती करना है। सो आज का ये आउटफिट है मेरा एंड या आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो अगेन एंड बीच बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो लेट्स गो। ओके सो यहाँ से पूरी ट्रिप ख़त्म हुआ एंड बहुत वापस जाने का तो मन नहीं कर रहा है। बहुत मज़ा आया पूरी में एंड बीच का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड एग्ज़ाम रिफ्रेशमेंट अच्छा था वो। नाउ रिटर्निंग होम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक डिट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।